फ्रेंड्स, मैं नीलम, मेरे चैनल नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। आपने गाजर के हलवे कई तरह के खाए होंगे। बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और उसे घिसने में ही टाइम चला जाता है, तो आज मैं आपको आसान तरीके से गाजर का हलवा बताने जा रही हूँ। इसमें आपको घिसने की जरूरत नहीं है। आप चॉपर से चॉप करिए और जल्दी से कुकर में चढ़ाइए और आपकी गाजर का हलवा जल्दी से तैयार हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं। शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। इसके लिए हमने 1 किलो गाजर ली थी, उनको धोकर अच्छी तरह से साफ करा और उसके बाद हमने छिलके छिलकर उनको चॉपर में ऐसे चॉप कर लिया है। ना तो हमने इसमें मिक्सी की ज़रूरत ली है, ना हमने कद्दूकस से घिसा है। इससे हमारी मेहनत भी बची है और हमारा अच्छी तरह से चॉप भी हो गया है। ये देखिए हमारा कितना फाइन चॉप हुआ है इसमें। तो अब ये हमने 1 किलो गाजर को चॉप कर लिया था, इसको हम कुकर में बनाएंगे। ना तो हम इसमें घी यूज करेंगे, ना ही इसमें हम मावा यूज करेंगे और ना ही हम चीनी यूज करेंगे। आइए देखते हैं हम गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कुकर लिया है, कुकर में ये सारी गाजर हम डाल देंगे। ये सारा हमने कुकर में डाल दिया। अब इसको हम गैस पर रखेंगे, मीडियम आंच पर रखेंगे और 5 सीटी ले लेंगे। देखिए हमने ना इसमें घी डालना है, ना ही हम इसमें चीनी डाली है, ऐसे ही कुकर को बंद कर लें। कुकर की हमने 5 सीटी ले ली थी, अब इसकी स्टीम निकल चुकी है। देखिए हमारा गाजर का हलवा देखिए गल चुका है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, ये आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे हाथ 2-3 चम्मच चलाएंगे। अब हमने गैस पर एक पैन लिया है, इसकी गैस हमने धीरे कर रखी है। अब ये सारा हलवा इस पैन में डाल देंगे। इसको हमने गैस पे धीरे रख लिया था जिससे कि हम ये डाल लेते ही जल ना जाए। अब हम गैस को तेज करके इसको हम 5-10 मिनट के लिए भुनेंगे। जो हमारा ये पानी था इसमें गाजर ने पानी छोड़ दिया था गाजर ने, तो हमने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है जिससे हमारा टाइम बचे। आप देख सकते हैं अभी भी हमारा इतना पानी है। इसको हमें पानी को सुखाना है और भुना, इससे हमारी भुनाई भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसका सारा पानी सूख गया है। जब ये कढ़ाई में नीचे लगने लगे तो आप समझ लीजिए कि इसकी भुनाई हो चुकी है। ये हमारा सारा पानी सूख गया है। अब इसमें हम ये हमने ड्राई फ्रूट लिए थे थोड़े से, इनको काट कर आप लंबाई में या ऐसे बीच में से ऐसे काट कर आप तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम ड्राई फ्रूट को डाल देंगे। ये बादाम डाले हैं, ये काजू भी हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। मोटे टुकड़ों में गाजर के हलवे में स्वाद आता है, मोटा मोटा सा मुँह में, तो इसीलिए ये 2 टुकड़े करें। अगर आपका मन चाहे तो आप छोटे छोटे टुकड़े में भी आप काट के डाल सकते हैं। और इसको हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसमें, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस हमने तेज कर रखी है और इसको चारों तरफ से हिलाते हुए इसका पानी सुखाएंगे और भुनाई करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इसमें नीचे लग रहा है। अगर आपका मन है तो आप इसमें शुगर फैस की गोलियां आती हैं वो भी डाल सकते हैं। और आप इसमें ना हमने इसमें दूध डाला है, आप देख सकते हैं, ना हमने इसमें मलाई डाली है। इसके लिए हमारा एक सीक्रेट है, हमने ये बर्फियाँ बची हुई थी, हम ये बर्फियाँ डाल लें। तो इसलिए हमने 1 किलो गाजर में हलवे में तो एक हमने 300 ग्राम ये बर्फियाँ हमारे यहाँ हैं तो ये डाल लें। देखिए अब इनको डालकर हम गैस धीरे कर लिया है, ये बर्फियों को तोड़ के हम डाल देंगे। अगर आप मीठा कम खाते तो 200 ग्राम भी बर्फी बहुत रहेंगी। इसमें हमने 200 ग्राम बर्फी ही डाल लिया। ये बर्फी बाजार से आपको पता है, आप सबको ये आती है खोए की बनी हुई, ये मीठी भी होती है और इसमें वो भी होता है बर्फी में, आपको पता ही है। तो यही हमने डाली है, यही हमारा एक सीक्रेट था कि हमने इसमें डाला है ना, इसलिए हमने इसमें ना घी डाला है, ना दूध डाला है और ना ही हमने चीनी डाली है। अब इसको हमें 10 मिनट तक भुनाई करना है जब तक ये सारी बर्फी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने जो बर्फी डाली थी वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है।
और देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल वो छूटने लगा है। तो ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। इसमें आप थोड़ा सा खुशबू के लिए 1/4 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे नहीं तो टेस्ट बेकार हो जाता है। तो थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर डाला है, तो इसको मिक्स कर देंगे 2-3 मिनट, और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, देखिए 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये हमारा हलवा तैयार है, इसको हम सर्व करेंगे। हमारा हलवा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं इसकी की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। 1 किलो बनाया था, ये पूरा बाउल भर गया है, और इसमें इस प्रोसीजर में मुझे 1/2 घंटा लगा है। और आप अब इसमें मैंने चॉपर से चॉप करके गाजर को डाला है, आप देख सकते हैं कि कितना फाइन महीन गाजर बना है। अगर हम उसमें भी घिसते हैं तो उसमें भी पता नहीं चलता है, लंबे लंबे से टाइम लगता है। इसमें चॉपर में करेंगे तो आपका टाइम बचेगा भी, और फाइन आपका गाजर का हलवा भी बनेगा। तो ये खाने में बड़ा ही टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप मुझे हलवे को, मेरे हलवे को आप लोगों के संग शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।